अपनी जिंदगी की खातिर मैं सुल्तान को अपने वतन की मुट्ठी भर मिट्टी भी ना दूं। जी हाँ, ये डायलॉग है पृथ्वीराज चौहान का, जो कि आज सुबह ट्रेलर रिलीज हो चुका है। हेलो वेलकम दोस्त, और मैं हूँ आपका फ्रेंड्स हमजा अली, और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ पृथ्वीराज चौहान का ट्रेलर, जो कि आज 11:45 पर रिलीज हुआ था, और उसका रिव्यू मैं आपके लिए देने आया हूँ। ट्रेलर बहुत अच्छा है, बहुत आपको सस्पेंस, थ्रिलर और एक्शन देखने को मिलेगा, और यूं कहें कि हो सकता है बॉलीवुड की एक तरीके से वापसी हो सकती है पृथ्वीराज चौहान के जरिए, जो कि कुछ फिल्मों को मात दे भी सकती है या नहीं भी दे सकती, ये तो हम फिल्म देख के ही पता लगाएंगे। बाकी आगे जो उसका फिल्म का हिसाब है, वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया है, बहुत अच्छा BGM म्यूजिक डाला है। और बात करें तो हमारी नई आर्टिस्ट जो कि इसमें अक्षय कुमार के अपोजिट नज़र आ रही हैं, मोनिशा चिल्लर, जो कि उनकी ये पहली फिल्म होगी, और सह कलाकार साथ में संजय दत्त नज़र आएंगे और सोनू सूद। और फिल्म बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, बहुत दमदार एक्शन और बहुत अच्छा VFX फिल्म में दिया है। फिल्म यशराज बैनर तले बनी हुई है, और बहुत बड़ा बैनर है जो कि बहुत सी फिल्में सुपर डुपर हिट दे चुका है, और आदित्य चोपड़ा इसके प्रोड्यूसर हैं। बाकी तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या फिल्म कह रही है और कहां तक जा सकती है, कितनी कमाई कर सकती है, कितने करोड़, या यूं कहूं मैं कि किसी फिल्म का रिकॉर्ड तोड़े या ना तोड़े, या तोड़ पाएगी या नहीं, ये तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा। बाकी फिल्म का ट्रेलर देख के ऐसा लगता है कि हाँ, फिल्म चल सकती है। रही बात पिछली मूवियों की, जो उनकी अभी बच्चन पांडे रिलीज हुई थी अक्षय कुमार सर की, वो खासी कुछ काम नहीं कर पाई थी, और फिल्म का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, मगर फिर भी वो फिल्म फ्लॉप हो गई, क्योंकि वो फिर से 30 मार्खा जैसी फिल्म लेके आए थे शूटिंग के जरिए, ये वो फलाना, उस वजह से उनका ये वाला कॉन्सेप्ट भी बेकार हो गया बच्चन पांडे का। जबकि बच्चन पांडे का जो पोस्टर था, उससे जो देखने में लगता था कि हाँ भाई, बहुत डेंजर आदमी किसी बायोपिक आ रही है, मगर जब फिल्म देखी तो पता चला कि कुछ भी नहीं है। तो आप दिल थाम के बैठिएगा, 3 जून को हम मिलेंगे आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में, जो कि थिएटर में फिल्म रिलीज़ हो रही है। उसके बाद आपको रिव्यू बताया जाएगा कि क्या फिल्म रही और कैसी रही। चलिए, खुदा हाफिज़।